हेलो एंड वेलकम गाइज ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज की हाल चाल, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो गाइज आज मैं आपको बताने वाला हूँ माइनक्राफ्ट 1.20 के लिए कुछ एक्सरे गिलिच, जिनका यूज कर आप जमीन के अंदर देख सकते हो। तो आपको जहाँ पर भी इस गिलिच को करना हो वहाँ पर आ जाना। और गाइज अपने साथ आप दो सैंड ब्लॉक, एक कोई भी बॉल और एक टॉप स्नो, और गाइज आप अपने साथ नाइट विजन का पोशन और स्पाई ग्लास भी ला सकते हो, जिससे आप जमीन के अंदर दूर दूर तक काफ़ी आसानी से देख सको। अभी गाइज गिलिच को करने के लिए आपको कहीं पर भी सबसे पहले चार ब्लॉक नीचे की तरफ डिक कर लेने हैं। चार ब्लॉक तोड़ने के बाद इसके किसी भी साइड आपको चार ब्लॉक और तोड़ लेने हैं। और गाइज इस वाली साइड चार ब्लॉक तोड़ने के बाद आपको नीचे का एक ब्लॉक और तोड़ना है, और इस ब्लॉक की जगह पर आपको एक कोई भी बॉल प्लेस कर देनी है, यानी कि दीवार। तो इस वाले गड्ढे में हमको एक बॉल लगा देनी है, इस बॉल के ऊपर खड़े हो जाना है। अभी गाइज हमने जो पहले चार ब्लॉक तोड़े थे उनको वापस लगा देना है। अभी इस बॉल के ऊपर खड़े होकर हमको ऊपर वाले ब्लॉक के साइड में दो सैंड के ब्लॉक प्लेस करने हैं, जिससे सैंड के ब्लॉक नीचे की तरफ गिर जाएंगे और हम इनके अंदर धस जाएंगे। अभी गई जी आपको ऊपर वाले सैंड ब्लॉक के ऊपर एक टॉप स्नो प्लेस कर देनी है और अपना एक्सरे ग्लिच हो जाएगा। जैसा कि आप देख ही सकते हो, अभी हम जमीन के अंदर देख सकते हैं अपना एक्सरे ग्लिच सक्सेसफुली हो चुका है। और गई जमीन के अंदर अभी हमको अंधेरा दिख रहा है, तो इस अंधेरे को दूर करने के लिए हम नाइट विजन के पोशन का भी यूज कर सकते हैं। और इस एक्सरे ग्लिच की मदद से हम दूर दूर की चीजों को देखने के लिए स्पाई ग्लास का यूज कर सकते हैं। अभी गई अगर आपने जिधर भी अपने वर्ल्ड में इस एक्सरे ग्लिच को किया है, अगर उस जमीन के नीचे कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह, जैसे की डंजन्स, स्पॉनर, माइनक्राफ्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड वगैरह, जितने भी अंडरग्राउंड वाले स्ट्रक्चर हैं, अगर गाइज वो आपकी उस वाली जमीन के नीचे होंगे तो आपको दिख जाएंगे। और अगर आप इस एक्सरे ग्लिच को यूज कर अपने वर्ल्ड के अंडरग्राउंड में काफी दूर दूर तक की चीजों को देखना चाहते हो, तो गाइज आप एक काम करना, जब आप इस एक्सरे ग्लिच को करो तो आप अपने वर्ल्ड में रेंडर डिस्टेंस को बिल्कुल हाइपर कर देना, जितना भी आपके डिवाइस में सपोर्ट हो। इससे गाइज क्या होगा कि दूर दूर तक की चीजें रेंडर होंगी और आपको दूर दूर तक की चीजें दिखाई देंगी। जैसा कि आप देख सकते हो, अभी मुझे काफी दूर दूर तक की चीजें दिखाई दे रही हैं और सामने शायद कोई रूइन पोर्टल या स्ट्रॉन्ग होल्ड भी दिखाई दे रहा है। बाकी तो गाइज अपना एक्सरे ग्लिच काफी मस्त है, इससे आप अंडरग्राउंड की काफी चीजों को देख सकते हो। बाकी तो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जहाँ पर भी इस एक्सरे ग्लिच को कर रहे हो वहाँ पर जमीन के अंदर कुछ है या नहीं। अगर गाइज आपको एक जगह पर कुछ नहीं मिले तो आप दूसरी जगह पर इस ग्लिच को ट्राई करना। वैसे भी इस एक्सरे ग्लिच को करने के लिए कुछ ज्यादा तो चाहिए नहीं, बस आपको दो सैंड ब्लॉक चाहिए और एक बॉल चाहिए, एक टॉप स्नो, और हो सके तो नाइट विजन का पोशन और स्पाई ग्लास लेकर आप अपने वर्ल्ड में कहीं पर भी चले जाना, जहाँ पर भी आपको लगे कि इस वाली जमीन के नीचे कुछ अच्छा मिल सकता है। तो गाइज इधर इस ग्लिच को कर देखते हैं। सबसे पहले हमको चार ब्लॉक नीचे जमीन के अंदर डिक करने हैं। अभी इन चार ब्लॉक के साइड में हमको चार ब्लॉक और डिक कर लेने हैं। अभी हमको साइड में नीचे का एक ब्लॉक तोड़ना है और इस ब्लॉक की जगह पर हमको कोई भी एक बॉल प्लेस कर देनी है, और साइड के हमको चारों ब्लॉक को फिर से लगा देना है। अभी गाइज हमको इस बॉल के ऊपर खड़े होकर अपने ऊपर दो सैंड ब्लॉक प्लेस करने हैं। इस ऊपर वाले सैंड ब्लॉक के ऊपर हमको एक टॉप स्नो प्लेस कर देनी है, इसके बाद अपना एक्सरे ग्लिच सक्सेसफुल हो जाएगा। अभी आप जमीन के अंदर देख सकते हो। और देखो गाइज इधर इस एक्सरे ग्लिच को करने की वजह से हमको नीचे जमीन के अंदर एक स्पॉनर मिल चुका है। इसी तरीके से गाइज अगर हमारी जमीन के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह होगा तो वो हमको दिख जाएगा। बस आप अपने रेंडर डिस्टेंस को हाई रखना, जिससे दूर दूर तक की चीजें रेंडर हो सके। हाँ गाइज एक बात और भी है कि रेंडर डिस्टेंस को हाई करने से वर्ल्ड के अंदर लैग बहुत हो जाता है, लेकिन गाइज आपको हमेशा के लिए रेंडर डिस्टेंस को हाई नहीं रखना। जब आप अपने एक्सरे ग्लिच को यूज कर लो तो आप अपने रेंडर डिस्टेंस को फिर से वहीं पर सेट कर देना जितना आप हो, इससे गाइज आपका वर्ल्ड भी लैग नहीं होगा। तो अपनी इस वीडियो का नंबर वन एक्सरे ग्लिच ये हो गया। काफी इजी सा एक्सरे ग्लिच है, इसको आप यूज कर सकते हो और अंडरग्राउंड देख सकते हो। अभी गाइज बात कर लेते हैं अपनी इस वीडियो के नंबर टू एक्सरे ग्लिच को। तो गाइज इस वाले एक्सरे ग्लिच को करने के लिए आपको किसी केव के अंदर, यानी कि जमीन के काफी नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला एक्सरे ग्लिच जमीन के नीचे नहीं दिखाता, ये वाला एक्सरे ग्लिच जमीन के ऊपर की चीजों को दिखाता है। और इसको करने के लिए हमको आठ बिल्डिंग ब्लॉक, आठ स्लैब, दो पिस्टन, दो रेडस्टोन डस्ट और एक लीवर चाहिए। बाकी तो गाइज आप जमीन के अंदर किसी भी केव के अंदर चले जाना, और इधर नीचे किसी भी केव के अंदर या जमीन के नीचे आने के बाद आपको किसी भी साइड 3x4 का 2 ब्लॉक हाइट ऊंचा एरिया डिक कर लेना है। तो हमको 2 ब्लॉक्स की लेयर आगे 4 ब्लॉक तक डिक करनी है, और इसी तरीके से इसके साइड में भी हमको 2 ब्लॉक्स की लेयर आगे 4 ब्लॉक तक डिक करनी है। इस तरीके से हमको 3 लेयर डिक कर लेनी है।
इस तरीके से गई हमको 3x4 का 2 ब्लॉक हाइट का एरिया डिक कर लेना है। अभी गई हमको पीछे वाली लेयर के आगे 3 बिल्डिंग ब्लॉक लगाने हैं और साइड में 3 बिल्डिंग ब्लॉक और लगा देने हैं। अभी हमको इसके अंदर जाना है और आगे वाले ब्लॉक के साइड में हमको 2 पिस्टन प्लेस कर देनी है और इन पिस्टन के साइड में इन बिल्डिंग ब्लॉक के ऊपर 2 रेडस्टोन डस्ट लगाकर इसके आगे एक लीवर प्लेस कर देना है। अभी इस लीवर को पुश करते ही ये दोनों पिस्टन एक साथ मूव करेंगी। अभी आपको नीचे वाली पिस्टन के आगे एक बिल्डिंग ब्लॉक लगा देना है और साइड में भी एक बिल्डिंग ब्लॉक लगाकर ऊपर वाली पिस्टन के आगे एक स्लैब प्लेस कर देनी है और अपने साइड में एक स्लैब लगानी है और 3 स्लैब आपको अपने पीछे लगा देनी है। और अभी इस वाले एक्सरे ग्लिच को करने के लिए बस हमको इस लीवर को ऑन करना है, जिससे इस पिस्टन के आगे की स्लैब अपने ऊपर आ जाएगी और ऊपर की तरफ हमारा एक्सरे ग्लिच हो जाएगा। जैसे कि गाइस आप देख सकते हो अभी हमको जमीन के ऊपर का सब कुछ दिखाई दे रहा है और सब कुछ साफ साफ दिखाई दे, इसके लिए आप एक नाइट विजन का पोशन भी पी लेना। लेकिन गाइस अभी अपने वर्ल्ड में रात हो रही है तो आपको इधर अंधेरा दिख रहा होगा। बाकी तो अभी इस वाली जमीन के ऊपर जो भी काम की चीज या जो भी काम का स्ट्रक्चर होगा वो हमको दिख जाएगा। और गाइस हमको जमीन के ऊपर दूर दूर तक की चीजें दिख जाए इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से अपने वर्ल्ड के रेंडर डिस्टेंस को बढ़ा लेंगे जिससे दूर दूर तक की चीजें रेंडर हो सके। ग्लिच को यूज करने के बाद में इस रेंडर डिस्टेंस को फिक्स कर देंगे। जैसा कि गाइस आप देख सकते हो अभी हमको एक्सरे ग्लिच से जमीन के ऊपर का ये एमेथिस्ट साइड का गोला तो दिख रहा है। शायद गाइस जिस वाली जमीन के ऊपर यही एक काम की चीज है, बाकी तो कुछ इधर दिख नहीं रहा। ये तो बस गाइस हमारे लक के ऊपर डिपेंड करता है कि जहाँ पर हम इस एक्सरे ग्लिच को कर रहे हैं वहाँ पर जमीन के ऊपर कुछ हो। बाकी तो ये तो जरूरी नहीं कि जमीन के ऊपर कुछ हो गई। अगर गई जब आपको एक जगह पर कुछ नहीं मिले तो आप इस एक्सरे ग्लिच को दूसरी जगह पर ट्राई कर लेना, शायद आपको जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे कुछ मिल जाए। जैसे कि अभी मुझे इधर तो कोई काम की चीज नहीं मिली तो मैं दूसरी जगह पर इस एक्सरे ग्लिच को कर दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 3x4 का 2 ब्लॉक हाइट का एक एरिया डिक कर लेना है। इस वाले ग्लिच को ना गई जी ज़्यादातर डायमंड वगैरह फाइंड करने के लिए या गई जमीन के अंदर एंसेंट सिटी स्ट्रॉन्ग होल्ड वगैरह ऐसे स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो अभी देखते हैं कि इधर हमको कोई काम की चीज़ मिलेगी या नहीं। तो सबसे पहले हमने 3x4 का एक एरिया डिक कर लिया। अभी हमको क्या करना है, पीछे के इन 3 ब्लॉक के आगे हमको 3 बिल्डिंग ब्लॉक लगा देने हैं और साइड में 3 बिल्डिंग ब्लॉक आगे की तरफ भी लगा देने हैं। अभी हमको इसके अंदर जाना है और आगे वाले ब्लॉक की साइड में 2 पिस्टन प्लेस करनी है। अभी इन पिस्टन के साइड में 2 रेडस्टोन डस्ट प्लेस कर देने हैं, इनके आगे एक लीवर प्लेस कर देना है और नीचे वाली पिस्टन के आगे एक बिल्डिंग ब्लॉक लगाना है, अपने साइड में भी एक बिल्डिंग ब्लॉक लगाकर ऊपर वाली पिस्टन के आगे एक स्लैब प्लेस कर देनी है और 4 स्लैब हमको अपने पीछे लगानी है। और इसके बाद बस हमको इस लीवर को ऑन करना है जिससे ये वाली स्लैब अपने ऊपर आ जाएगी और अपना एक्सरे ग्लिच सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसा कि गई जब भी आप देख सकते हो हम जमीन के ऊपर देख सकते हैं, दूर दूर तक देखने के लिए हम स्पाई ग्लास का यूज कर सकते हैं, मतलब कि दूरबीन का। बाकी तो गई जब अपना एक्सरे ग्लिच तो हो गया लेकिन इस वाली साइड भी जमीन के ऊपर कुछ है नहीं। बाकी तो यार इधर हो ना हो अपना एक्सरे ग्लिच हो गया, बस इतना ही काफी है। तो अगर आप इन एक्सरे ग्लिच को यूज करना चाहते हो तो यूज कर लेना इससे पहले कि ये फिक्स हो जाए। बाकी तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करना।